हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेबी ग्रेड ए न्यू जॉइनी की क्या सैलरी स्लिप है, क्योंकि अभी रिसेंट में ही सेबी की जो नई बैच है उनकी जॉइनिंग हुई है और उनकी जो फर्स्ट सैलरी आई है अगस्त 2022 की, वो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और सुनने में आ रहा है कि सेबी ग्रेड ए का जो रीसेंट नोटिफिकेशन है वो भी आ सकता है, तो आप सभी उसकी तैयारी बहुत अच्छे से अगर करना चाहते हैं तो आप एक बार anujjindal.in की वेबसाइट पर जाकर उनके RBI, सेबी, नाबार्ड इन तीनों के कोर्सेज चेक कर सकते हैं। और वहाँ पर आप हमारा कूपन कोड JAN45 अगर यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट वहाँ पर मिलेगा। और सेबी ग्रेड ए की जो जॉब है वो काफ़ी अच्छी जॉब है, बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है, तो आप उसकी तैयारी थोड़ा पहले स्टार्ट कर देंगे तो आप बहुत ही अच्छे से उस एग्ज़ाम में अपीयर कर पाएंगे। इसकी सैलरी स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले हम देखते हैं अर्निंग से। तो जो उसका बेसिक पे है वो है 44,500 रुपीज़, स्पेशल अलाउंस इसमें मिला है 8,250 रुपीज़, एक ग्रेड अलाउंस है ये है 10,400 रुपीज़, फिर डियरनेस अलाउंस ये अभी अगस्त मंथ का है 24,173 रुपीज़, उसके बाद इसमें एक फैमिली अलाउंस भी मिलता है ये है 1,780 रुपीज़, फिर इसमें एक लोकल अलाउंस है 2,225 रुपीज़, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है 500 रुपीज़, एक लर्निंग अलाउंस भी है इसमें 2,500 रुपीज़, और एम्प्लॉयर NPS कंट्रीब्यूशन, क्योंकि एम्प्लॉयर भी NPS में कंट्रीब्यूट करता है, तो वो है 12,225 रुपीज़। तो जब हम इनकी ग्रॉस अर्निंग्स का टोटल देखेंगे तो इनकी ग्रॉस अर्निंग्स काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये फर्स्ट सैलरी है सेबी ग्रेड ए की, 1,06,553 रुपीज़, तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी है। लेकिन सैलरी के साथ साथ कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, तो डिडक्शंस में सबसे पहले एम्प्लॉई का NPS कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होता है, ये है 10,479 रुपीज़, उसके बाद जो एम्प्लॉयर ने NPS कंट्रीब्यूट किया था वो भी यहाँ पर डिडक्शन में शो हुआ है, तो ये है 12,225 रुपीज़, उसके बाद एक प्रोफेशनल टैक्स स्प्लिट पीरियड करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 200 रुपीज़ है। प्रोफेशनल टैक्स स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, तो ये आपको कुछ स्टेट की सैलरी स्लिप में देखने को नहीं भी मिलेगा। उसके बाद इनकम टैक्स का डिडक्शन है 5,451 रुपीज़, उसके बाद एक है लंच रिकवरी ये है 100 रुपीज़, और मेडिकल असिस्टेंट फंड का यहाँ पर डिडक्शन है 360 रुपीज़। तो जब हम इन सारे डिडक्शंस का टोटल करेंगे तो ये होगा 28,815 रुपीज़। डिडक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे अर्निंग ज़्यादा थी तो डिडक्शंस भी ज़्यादा होंगे, तो जब आप ग्रॉस इनकी अर्निंग्स में से ग्रॉस डिडक्शंस को माइनस करेंगे तो निकल के आएगी टेक होम पे, और टेक होम पे होगी सेबी ग्रेड ए न्यू जॉइनी की 77,738 रुपीज़। तो ये तो सिर्फ सैलरी है, इसके साथ साथ सेबी में बहुत अच्छे और बहुत सारे अलाउंसेस और बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी जिसमें सारे अलाउंसेस और बेनिफिट एक सेबी ग्रेड ए न्यू जॉइनी के क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।